हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू अपी ब्लॉग चैनल जीरो फिफ्टी। और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं हम अपने घर से करीब 5 किलोमीटर दूर मनसापुर। वहां पर एक मंदिर है, वो मंदिर बहुत ही शक्तिशाली है। सो वहां पर जाकर के मैं आप सभी को सब कुछ दिखाने वाला हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मंदिर कैसे बना, वो सब मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा, लव यू। फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं घर से कुछ दूर, लगभग 1.5 किलोमीटर, और हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं, आप सभी को सब कुछ दिखाने वाले हैं। बाहर का नज़ारा ये है। फिलहाल तो गर्मी बहुत है, बहुत बहुत सारा गर्मी है, बहुत हार्ड है। सो इतना मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। सो प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और यहाँ पर मरा रहा है मछली। सब जितना आप लोगों घर देख रहे हो, यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, पूरा जंगली जंगल, जंगली जंगली सोर भी जंगल था। बहुत बहुत डेवलप तो क्या बोलो, सब जितना भी पेड़ पौधा था सबको काट करके यहाँ पर घर बन गया है। पहले यहाँ पर पूरा जंगली जंगल था, कोई एक भी घर नहीं था। पहला इतना रोड भी नहीं बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब बिगड़ गया है। आप सभी से सिर्फ इतना मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पर कहाँ क्या मिस्टेक हुआ है, क्या गलती हुआ है, क्या ठीक अच्छा लगा है, वो सभी आप सब कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं वीडियो को और अच्छा बना सकूं और वीडियो को और अच्छा से सुधार सकूं। और हम अब घर से आ चुके हैं करीब 1 किलोमीटर दूर, यानी कि ये जो चौकी है, थाना है, पुलिस स्टेशन, ये हमारे ही पंचायत में पड़ता है, मतलब तिलाकी बिलाड़ी गाँव पालिका 4 में ही पड़ता है ये। और ये जो है आपका जो बरसेन चौकी, हम बरसेन पहुँच चुके हैं, आप सभी देख सकते हो, ये थाना यहाँ का, और ये है बरसेन चौक। और ये है यहाँ का मंदिर, मंदिर में जो भगवान है उनको भी बहुत शक्तिशाली है, बहुत दिनों के बाद यहाँ पर मंदिर बना है। अब यहाँ से लगभग कुछ दूर और है, समस्या बस रास्ता का है, क्या रास्ता पूरा नहीं बना हुआ है, रास्ता पूरा बिगड़ा हुआ है, जहाँ देखिएगा पूरा पानी पानी लगा हुआ है। तो गाइस, आज गर्मी बहुत है यहाँ पर, और लगता है कि पानी भी पड़ने वाला है, फिर भी हम निकल चुके हैं ब्लॉग के लिए। और यहाँ से अब कुछ ही दूर बाकी है, वो उस ठाव का नाम तो मनसापुर है, तो लेकिन वहाँ से कुछ आगे जा कर के एक गाँव है महादेवा, महादेवा गाँव पालिका में वो पड़ता है, और वो जो है वहाँ पर महादेव का मंदिर है। वहाँ पर जा कर के मैं आप सभी को सब कुछ दिखाने वाला हूँ, कैसे करके वो मंदिर बना, क्या हुआ था, वो सब बताने वाला हूँ। तो आप सभी वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, देख के वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ नहीं, बने रहिए वीडियो में। फिलहाल तो मेरे पास, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बोला था कि मेरे पास कोई कैमरा या गोप्रो नहीं है, और मैं आज बाइक पे हूँ और ब्लॉग बना रहा हूँ, इसीलिए मेरे भाई आया है मेरे साथ में और ये बाइक राइड कर रहा है, और हम दोनों जा रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए महादेवा मंदिर में, महादेव के मंदिर में। तो आप सभी सपोर्ट कीजिएगा, लव यू। तो फाइनली गए, जब हम पहुँचने वाले हैं मनसापुर, और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर भी नहीं होगा, आधा से भी पौवा है, और कुछ ही दूर में हम पहुँचने वाले हैं उस मंदिर के पास में, और उस मंदिर में जा कर के आप सभी को सब कुछ दिखाएंगे, वहाँ पर क्या क्या है, और कितने बजे पूजा होता है, और कितने बजे मंदिर खुलता है, और कितने बजे बंद होता है, वो सब जानकारी लेकर के हम आप सबको बताएँगे वहाँ पर। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए, हम पहुँचने वाले हैं मनसापुर, लगभग पहुँच गए हैं। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं मनसापुर, और ये है मनसापुर का चौक, और यहाँ से जाता है मनसापुर, यही चौक है मनसापुर, लेकिन हमें सीधा जाना है।
और उसी मंदिर के पास में यह है प्राइवेट स्कूल, ये एक स्कूल है प्राइवेट। रास्ता को तो कोई जवाब ही नहीं, पूरा खराब रास्ता है। गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और यह है मंदिर का पोखरी पोखर। और यह है मंदिर, मंदिर तो फिलहाल हो चुका है बंद क्योंकि हम ज़रा लेट आ चुके हैं, टाइम ज़रा ज़्यादा हो गया है। यहाँ 9-10 बजे तक मंदिर मात्र खुला रहता है, और अभी टाइम हो रहा है लगभग एक बज रहा है 1:30। तो मंदिर बंद है अभी, के बार ये 4 बजे खुलेगा मंदिर। तो वहाँ पर एक बाबा था, उस बाबा से हम पूछ करके आप सभी को बताते हैं कि मंदिर कैसे बना था। और यहाँ बन रहा है धर्मशाला, यहाँ पर लोग सब बैठ उठ सकता है। और यहाँ पर मेला भी लगता है, शिवरात्रि में मेला लगता है, और क्या बोलते हैं जलढड़ी में मेला लगता है, और अनंत चतुर्दशी में मेला लगता है। यहाँ का मंदिर बहुत शक्तिशाली है, और यहाँ का लोकल जो बाशिंदा है वहाँ से अब हम जा रहे हैं, कुछ बात करेंगे, उसके बाद आप सभी को बताएंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मंदिर कैसे बना था। तो बने रहिए। और है ये पूरा मंदिर का सीन, सभी देख सकते हो। मंदिर तो बंद है फिर भी हम बाहर से दिखा रहे हैं। आप सभी वीडियो में बने रहिए। अरे समक्ष में दूर से गया बाबा, ये बाबा यहाँ का बाबा, आपका घर कहाँ है? क्या नाम है आपका? तो आप इस मंदिर के बारे में कुछ मालूम है आपको? मंदिर के बारे में बारे है जो जो जमाना था ना, हाँ तब तक मैं कन्हिया था, हाँ वहाँ गाछी है, हाँ वहाँ पे मैं ले गया था उसको बांध का। हम लोग 10-12 बंदे थे, वहाँ पर ले जा करके हम लोग चलने फिरने लग गया उसको साथ में। जब तक हम लोग घर जाने वाला होगा तब तक उसको हम लोग वहाँ पर भी छोड़ दिया, चले गए घर। जब घर से खा कर के आया तब उसका बेटा है वही खा कर गया। अच्छा कोई नहीं, आप हिंदी नहीं मैथिली में बोलिए, मैथिली में क्या हुआ था? हाँ तो मैथिली में बोलिए ना। तो भले तो वो तो कन्हिए टाक रहे थे, हम लोग खेल धूप करिए। कौन कौन था जो जो ये मंदिर बनाए, जो बनलते ये? क्या नाम था उनका? उसका नाम था। यहाँ पर मेला कब कब लगता है? मेला लगता है शिवराज अभी में अनंत चतुर्दशी में, शिवरात्रि में, मंगल का। यहाँ पर जो भी मनोरथ मांगता है पूरा होता है? हाँ, पूरा कंफर्म पूरा होता है। अच्छा ठीक है, इतना जानकारी देने के लिए धन्यवाद बाबा। सो गाइस जैसे कि आप सभी ने देखा, बाबा बोल रहे थे कि यहाँ के मंदिर में बहुत शक्ति है, महादेव में बहुत शक्ति है। तो आप सभी को
कोई मनोरथ है, मनोकामना है तो यहाँ पर आकर के आप सभी पूजा करके दर्शन करके अपना मनोकामना पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पर मेला भी लगता है, सोमवार लगता है, शिवरात्रि में लगता है, और जलधड़ी होता है, अनंत चतुर्दशी होता है, उसमें भी लगता है। तो आप सभी को इस ये मंदिर घूमने का इच्छा है तो आ जाइए सप्तरी नेपाल, और मनसापुर के बगल में है ये गाँव, उस गाँव का नाम है महदेवा गाँव पालिका में ये पड़ता है। आप सभी देख सकते हो ये मंदिर का पोखर, बैकग्राउंड में हुआ है मंदिर वहाँ पर, और यह है ये मेरा भाई और यह है बाबा। बाबा तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, जितना हो सके हमने आज आप सभी को दिखाया आज, क्योंकि मंदिर बंद था और मंदिर जिस दिन खुला होगा उस दिन हम फिर आएंगे। आज हमारे बाबा भी साथ में है। सो वीडियो को प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को बाबा क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब या सब्सक्राइब, लव यू बाबा।